नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न उद्योगों के एचआर मैनेजर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में आगामी 6 महीने में लगभग 25,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आपसी संवाद और परिचर्चा पर आयोजित हुई। आपसी संवाद के तहत विभिन्न उद्योगों के एचआर मैनेजर्स को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो उद्योग प्रदेश में स्थापित है वे भली भांति चले तथा अधिक से अधिक और उद्योग राज्य में स्थापित हो सकें। इसके लिए उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा तथा कारगर नीति का भी निर्धारण किया जाएगा ताकि उद्योग की स्थापना अथवा विस्तारीकरण के लिए विभिन्न विभागों के स्तर पर दी जाने वाली स्वीकृतियाँ समयबद्धता के साथ तुरंत जारी हो सकें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि नियमों का शिथिलीकरण किया जाना होगा तो वह भी किया जाएगा। धामी ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के सृजन में तेजी लाए जाने के लिए सभी से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। सीआईआई तथा कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से उनकी वार्ता हुई है। सभी की समस्याओं के समाधान का उनका प्रयास है। इसके लिए मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को भी उद्योगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए देश के अन्य उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में हमारे उद्यमी सहयोगी बन सकते हैं। इस संबंध में आपके द्वारा उन्हें दी गई सकारात्मक सलाह या सुझाव उन्हें प्रेरित करने में मददगार हो सकती है। इसके लिए यहां के उद्यमियों को हमारा सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में राज्य को दिए गए औद्योगिक पैकेज के कारण राज्य में उद्योगों की स्थापना की राह प्रशस्त हुई थी। उन्होंने उद्योगों के मानव संसाधन प्रबंधकों को यहां के लोगों को अपना सहयोगी बनाने का भी आह्वान किया था तथा युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की। एचआर मैनेजर्स ने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण, नए इंडस्ट्रियल पार्कों को विकसित करने, पंजीकरण आदि के नियमों को सरलीकरण किए जाने, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में उद्योगों के अनुकूल विषयों को प्राथमिकता दिए जाने, इनके प्रमुखों का उद्योगों से आपसी समन्वय पर ध्यान देने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्रियाशील बनाए जाने, लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए कंटेनर रेल ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने आदि सुझाव रखे। सभी ने सीएम को आश्वस्त किया कि वे उद्योगों में राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सीएम धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी एचआर मैनेजर्स से वार्ता कर उनकी समस्याओं से अवगत होने के साथ ही उनके सुझाव भी प्राप्त किए। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।